गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एम बलदीप फ्रॉम GM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ममदोर। अज आप करांगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, सर्कल, सर्कल का सब नू पता है सर्कल हुंदा की एक, हाँ जी सर्कल हुंदा की एक इदां दी शेप का सर्कल कह लिए, बिल्कुल जिहड़ी की गोल गोल चीज़ है उन्हूं आपां की कहने आ सर्कल। जिवें हुण सर्कल दी अपने कोल काफ़ी सारियां एग्जाम्पल ने, जिवें कोई व्हील लै लो सर्कल, एक लॉक लै लो, की रिंग लै लो, बटन, बैंगल या रुपी कॉइंस जो होंदे ने की ने सर्कुलर शेप च ही होंदे ने। ठीक है, तो आपां चैप्टर जिहड़ा करांगे मैथ सर्कल उनदियां प्रॉपर्टीज वगैरह बारे सब पढ़ांगे, कुछ अपनियां उनदियां थ्योरम्स हैगियां ने उहदे बारे। पहलों कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ने, तुसीं हैडिंग दे देने इन्हां नूं की पॉइंट्स। ठीक है, हुण की पॉइंट्स च सब तो पहला पॉइंट की लिखांगे कि सर्कल की हुंदा है। हाँ जी, सर्कल की हुंदा है, द कलैक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन दे विच सारे पॉइंट्स की कलैक्शन जिहड़ी फिक्स डिस्टेंस है। हुण सब नूं पता ना कि आपां सर्कल किवें ड्रॉ करने आ, एक सेंटर लै लैने कंपस दे, कंपस नाल एक सेंटर लैके तो उनके आसे पासे बिना कंपस हिलाए कि इदा करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर देने। तो उन्होंने की क्या फिक्स डिस्टेंस से हो, फिक्सड पॉइंट के प्लेन के असं की कहे सर्कल। ये है जी अपनी पहला पॉइंट। ठीक है, ये नोट करना कॉपी पर। हाँ जी, सैकेंड पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर कौन होता है, द फिक्सड पॉइंट इज कॉल्ड, हूँ वो फिक्सड पॉइंट जोड़ा की है वह आप कहे सेंटर ऑफ सर्कल। तो पता ही है फिक्स पॉइंट केड़ा होएगा, जिदे कि आप जिते कंपस रखी सी, जिहड़ा हुण ए ओ पॉइंट ए की हो गया सेंटर ऑफ सर्कल जिदे उत्ते कंपस रखी आप। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट ताड़ी तीसरा पॉइंट की बन जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की है, कहिंदे द फिक्स डिस्टेंस, जिहड़ा फिक्स डिस्टेंस हुंदा उहनूं कहिंदे आपां रेडियस ऑफ सर्कल। जिवें ओ तों लै के पी तक लै के गए तो एक ही बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस सीगा, ये डिस्टेंस सारे पासे सेम ही रहेगा, तो ये कि अपना आ गया रेडियस ऑफ सर्कल। ये ताड़ा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की लिखना है, आ डायामीटर इज द लोंगेस्ट कोड। एक डायामीटर की होंगी बहुत ज़्यादा लोंगेस्ट कोड होंगी, एंड ऑल डायामीटर है द सेम लेंथ, तो सारे डायामीटर की लेंथ भी की होंगी है सेम, जिहड़ी इक्वल कादी होंगी है टू टाइम्स रेडियस, रेडियस से डबल होंगी है। ठीक है, डायामीटर जिहड़ा होंदा है वो रेडियस का डबल होंदा है। ठीक है, नैक्सट फिफ्थ पॉइंट है आर्क। आर्क की होंदा है, आ पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट, किसी भी सर्कल का पीस जिहड़ा दो पॉइंट्स के विचकार होंदा है उन्हूं असीं की कह दिंदे आ आर्क। ठीक है, ये सी अपना फिफ्थ पॉइंट। सिक्स तुसीं ये याद रखना है, लोंगर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क। हुण जिथे आ कि लोंगर वन आ जिहड़ा हुण आर्क लगाइया ने, आ जिहड़ी जिहड़ी लंबे वाली आर्क है पी के ओ, ये की अपनी मेजर, तो जिहड़ी निक्के वाली होएगी वह की है माइनर होएगी। ठीक है, नैक्सट पुत्र छेवां पॉइंट है जिहड़ा वह की है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन की है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, जिनी भी सारे ए वाले सर्कल की सारा एरिया है ना, इनू आप कहने सरकमफ्रेंस। नैक्सट है सैगमेंट ऑफ सर्कल। सैवंथ पॉइंट है सैगमेंट ऑफ सर्कल, ये की होंदा द रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, जिहड़ी उहदे आर्क दा ते उहदी चाप जो लगी होंदी कोड, उहनां दा जिहड़ा रीजन होंदा ना उहनां दे विचकार, उहनूं आपां की कहिंदे आ सैगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, नैक्सट है जी सैक्टर की होंदा है, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस। हुण आ दो आर्कस हो गईआं ते इहनां दे विचकार जिन्ना रेडियस हैगा है ना, रेडियस है, उहनां दे विचला जिहड़ा रीजन होंदा है ना उहनूं असीं की कहिंदे आ सैक्टर। नैक्सट है सैमी सर्कुलर रीजन की होंदा है, वैन टू आर्कस आर इक्वल दैन दैट इज ईच इज अ सैमी सर्कल। सैमी सर्कल की होंदा है, जिहड़ा हाफ इदा करके सर्कल होंदा उहनूं कहिंदे ना सैमी सर्कल। कहिंदे जदों दो आर्कस इक्वल हो जांदियां ने तां हर एक दा सैमी सर्कल बन जांदा है, तां दोवें सैगमेंट ते दोवें सैक्टर जिहड़े गए ने उह सेम हो जांदे ने, ते इहनां नूं आपां की कहिंदे आ सैमी सर्कुलर रीजन। ये वाला सारा जिवें मेजर सैगमेंट भी आ गया, माइनर सैगमेंट भी आ गया, तो ये वाला जिहड़ा अपना की हो गया सैमी सर्कुलर रीजन। हाँ जी, नैक्सट अज आप करते हैं 10.1 स्टार्ट। जिमें कि ये उन्होंने फिलअप्स क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। हम सबनों पता है सर्कल के अंदर ही सेंटर होंगे है ना, तो अपना इतने की लिख देंगे इंटीरियर। नैक्सट आ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस, वो वाला पॉइंट जिहदा डिस्टेंस की है सेंटर ऑफ सर्कल तो ग्रेटर होंदा उहदे रेडियस दे सर्कल दा, कित्थे होंदा है बाहरली साइड ही होएगा, तो इस करके आ जाएगा एक्सटीरियर।
द लोंगेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, सब तो ज़्यादा जी सर्कल की लोंगेस्ट कोड होंगी उन्होंने की कहा जाता है डायामीटर। नैक्सट एन आर्क इज़ ए डैश वैन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायामीटर। आर्क की होंगे है जी एंड एंड डायामीटर होंगे हमने आप पढ़ के कि वो एंड नू की कहने सैमी सर्कल। सैगमेंट ऑफ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड सैगमेंट जी सर्कल दी होंगी वो कि कितने कितने रीजन होंगे कि आर्क के कोड के विचला रीजन। नैक्सट अ सर्कल डिवाइड द प्लेन, हूँ एक सर्कल जोड़ा वो प्लेन किन्ने पार्ट्स डिवाइड करता है, थ्री पार्ट्स के एक सर्कल जोड़ा प्लेन डिवाइड कर देता है। ठीक है, किड़े किड़े थ्री पार्ट्स है, एक एक्सटीरियर हो गया, एक इंटीरियर हो गया। ठीक है, दो तो ये हो गए, बाकी एक आर्क लगा लो, इदा दिया चीज़ा ला लो, कोड हो गया। नैक्सट है जी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखो जी, पहले लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल, यदा की आंसर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। नैक्सट ये सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स, हूँ सर्कल में तो जिन्ने मर्जी जो कोर्स आप बना सकते हैं, तो इस करके आ गया फॉल्स। थर्ड है जी इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल पार्ट, तो कहें अगर सर्कल आप डिवाइड कर दें थ्री इक्वल पार्ट्स में तो हर एक मेजर आर्क होएगा, एक ही फॉल्स मेजर होएगा माइनर होएगा। ठीक है, नैक्सट ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लोंग एज इट्स रेडियस।